हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैंगो केक बॉक्स, जो कि अभी मार्केट में न्यू न्यू आया है और अभी इसका न्यू ट्रेंड चल भी रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। और आप मेरी वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूँगी जो कि आपके बहुत काम आएगी। ये लिया है मैंने कुकर और गैस ऑन कर दी है। इसमें डालेंगे नमक, ये मेरा बेकिंग वाला नमक है जो कि मैं हमेशा जब भी बेक करती हूँ इसी नमक को यूज़ कर लेती हूँ। अब हम इसमें रखेंगे स्टैंड, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कटोरी या प्लेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसे 5 से 10 मिनट प्री हीट होने के लिए रख देंगे। जब तक कि ये प्री हीट हो रहा है तब तक हम अपना केक टिन रेडी कर लेंगे। ये मैंने 7 इंच का राउंड शेप का केक टिन लिया है, आप राउंड या स्क्वायर जो भी आपके पास हो आप केक टिन ले सकते हो। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे केक टिन को। केक टिन के चारों तरफ हमें अच्छे से ऑयल लगा देना है, आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हो, अनफ्लेवर। इसमें हम मैदा डस्ट करेंगे, मैदे को भी हमें पूरे टिन को अच्छे से कवर कर देना है चारों तरफ। और जो भी ये एक्स्ट्रा मैदा होगा इसका हम अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से हम निकाल देंगे किसी भी प्लेट में। एक्स्ट्रा मैदा हमें सारा टिन का निकाल देना है। ये देखिए हमारा केक टिन कितना अच्छा सा रेडी हो गया है बिना बटर पेपर के। तो हम रेडी करते हैं अपना बैटर। ये है बड़ी चम्मच, ये है छोटी चम्मच। बड़ी चम्मच को बोलते हैं टेबल स्पून, छोटी चम्मच को टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही। दही हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज का दही हमें यूज़ नहीं करना है, हमें सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर की ही यूज़ करनी है। अब इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच तेल, ये रिफाइंड ऑयल है। ऑयल हमें अनफ्लेवर यूज़ करना है, आप कोई सा भी अनफ्लेवर ऑयल यूज़ कर सकते हो जिसमें कि कोई स्मेल ना हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये दोनों दही और ऑयल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। आप स्पून या हैंड विस्कर जो भी आपके पास हो उससे मिक्स कर सकते हो। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम रखेंगे इसमें छन्नी और अपने जितने भी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको हम छान लेंगे। ये लिया है मैदा, 12 बड़े चम्मच हमें इसमें डालने हैं। मैंने सारे मेज़रमेंट दिए हैं, कटोरी से भी, चम्मच से भी, मेज़रिंग कप से भी, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हो। तो ये जो हम केक बना रहे हैं इसको हम बिना विप क्रीम के भी बना सकते हैं, सिर्फ मैंगो की प्यूरी डालकर भी हम बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो जो हम ये देखिए मैदा, मैं ये चम्मच के मेज़रिंग से डाल रही हूँ। तो बहुतों के पास क्या होता है कि मेज़रिंग कप होता नहीं है तो उन्हें केक बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने तीनों का मेज़रमेंट दिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हो। आप सारे मेरे टिप्स फॉलो करोगे तो आपका केक भी बिल्कुल मेरी तरह ही बनेगा। आप वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखो। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, 5 बड़े चम्मच। हमें चीनी को एक ग्राइंडिंग जार में डालना है और उसका एक फ़ाइन पेस्ट, फाइन सा एक पाउडर बना लेना है, बस वो हमारी पाउडर शुगर रेडी हो जाएगा। हमें चीनी में कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल हमें ग्राइंड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, ये 2 बड़े चम्मच। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 छोटी चम्मच। अब हम सबको अच्छे से छान लेंगे, छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब जितना भी हमने सारा सामान डाला था सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे दूध, दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने पूरा
एक कटोरी दूध लिया है तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। हमें एक बार में दूध नहीं ऐड करना है, एक बार में हम सारा डालने की तो हमारा बैटर बहुत पतला हो सकता है, जो कि हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। बैटर हमारा ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, जितना कि हमें ज़रूरत है अपने बैटर के लिए हमें उतना ही दूध ऐड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे वैनिला एसेंस एक छोटी चम्मच, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे। ये देखिए आप देख सकते हो बैटर जैसे मैं डाल रही हूँ तो देखो कैसी कंसिस्टेंसी आ रही है, देखिए बिल्कुल रिबन की तरह बन रही है ना, तो आपका बैटर भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो उसी का होगा हमारा बेक बहुत ही अच्छे से प्रॉपर बेक होगा। अब हम इसे जो हमने प्री हीट करा था कुकर, उसमें हम इसको टिन को रख देंगे। हमारा कुकर अभी बहुत गर्म है तो हमें बहुत आराम से रखना है, हमारा हाथ भी जल सकता है। अब हम इसे इसका लेड लगाकर 30 से 40 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। ये देखिए 30 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। ये देखिए मैं आपको टूथपिक से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ही क्लीन टूथपिक आई है, मतलब कि मेरा केक प्रॉपर बेक हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे, अभी हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, अभी ये बहुत गर्म है। हम इसे किसी कॉटन के कपड़े से ढक कर इसको हम पूरा प्रॉपर ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे करेंगे। अब हम जब तक हम केक ठंडा हो रहा है हम अपना मैंगो ग्लेस रेडी कर लेते हैं। मीडियम साइज़ का मैंगो लिया है, इसको दो कटोरी में चॉप करके यूज़ कर लेंगे। एक को हम केक के लेयर में डालेंगे और एक की हम प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 5 बड़े चम्मच। चीनी हमें आम के हिसाब से ऐड करनी है, अगर हमारा आम बहुत ही मीठा है तो हम चीनी कम भी कर सकते हैं। तो देखिए चीनी डाल दी है, अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट रेडी कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंगो की प्यूरी रेडी हो गई है। अब हम चलिए ग्लेज रेडी कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, गैस ऑन कर लिया है, जिसकी हमने प्यूरी बनाई थी मैंगो की वो हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 10 बड़े चम्मच पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, हमें ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है इसको। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मैं ये केक बॉक्स बनाने वाली हूँ उसका मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। केक बॉक्स मैंने लिया था 60 रुपीज़ में और आप उसकी प्राइसिंग 150 या 200 रख सकते हो। ये देखिए एक ग्लेज़ हमारा रेडी है, अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि इसमें इसका जो भी मैंगो का जो पल्प होगा वो अच्छे से छन जाएगा और हमारा बिल्कुल शाइनी ग्लेज़ रेडी हो जाएगा। ये देखिए छान कर अच्छे से देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर आया है हमारा। अब इसमें ऐड करूँगी मैं ऑरेंज कलर, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, एक बूंद डाला है मैंने। ये देखिए कितना अच्छा कलर, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंगो के फ्लेवर का लग रहा है। ये लिया है बॉक्स जिसमें हम केक बनाएंगे, ये मैंने मार्केट से 60 रुपीज़ का लिया था, तो वो एरिया के हिसाब से प्राइस कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारा केक बिल्कुल प्रॉपर ठंडा हो चुका है। अब हम नाइफ से इसकी साइड्स को हम साइड से ऐसे ऐसे अलग कर लेंगे ताकि ये इजीली निकल जाए हमारा। अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप भी मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करके बनाओगे तो आपका केक भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका केक बहुत ही चिपचिपा बनता है, ऑयली सा बनता है, तो ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली और चिपचिपा नहीं है। तो ये बॉक्स लेंगे
अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। तो ये मैंने राउंड शेप का केक बनाया, आप स्क्वायर भी बना सकते हो। तो देखिए कट करने के बाद इस तरीके से ये देख सकते हो आप। अब हम रेडी करेंगे अपना मैंगो सिरप, जैसे हम शुगर सिरप रेडी करते हैं ना उसी तरीके से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ज़्यादा पतला करने से क्या होगा कि जो हमारा स्पॉन्ज है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा सा रहेगा ना, तो उसमें स्पॉन्ज में हमारा मैंगो का फ्लेवर आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा मैंगो सिरप रेडी हो गया है। अब हम रेडी करेंगे विप क्रीम, ये एक कटोरी मैंने ली है। ये जो भी हम लेंगे सारा सामान हमारा बिल्कुल फ्रिज का निकला हुआ होना चाहिए, और हम इसके नीचे थोड़े से आइस क्यूब्स को रखेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बीट हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रीम विप हुई है। ये उल्टा करके मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, मतलब ये भाई परफेक्ट विप हो गई है क्रीम। अब हम इसके केक को फोर लेयर में कट करेंगे। मैं आपको दो डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी, दो बॉक्स में। आप डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जैसा भी आप चाहो, ये तो बहुत ईजी है, कोई भी बिगनर्स है वो आराम से बना सकते हैं। अब हम लेंगे पाइपिंग बैग, आप कुछ भी ले सकते हो, जो दूध के पॉलीथीन होती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें देखो, ये देखिए ये रेडी कर लिया हमने विप क्रीम डालकर। अब बॉक्स में हम स्पंज डालने के बाद ये जो मैंगो सिरप रेडी किया था उसको हम स्प्रेड कर देंगे। अब इसके बाद ये देखिए विप क्रीम जो हमने रेडी करी थी, ये कोई भी बिगनर से कोई भी बना सकता है, इसमें कोई डिज़ाइन किस मतलब कुछ भी फिनिशिंग की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी होम बेकर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप इसको बनाइए और इसको सेल कीजिए। ये जो आम के टुकड़े थे वो हम इसमें डाल देंगे, ये थोड़ा सा मैंगो ग्लेस था वो थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। आप प्राइसिंग अपने एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब दूसरा स्पंज रखने के बाद अब इसको दोबारा से हमने जो मैंगो सिरप बनाया था उसको स्प्रेड कर देंगे, फिर ये क्रीम की लेयर लगा देंगे। सिंपल केक है बहुत ही, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो मैंगो ग्लेस हमारा रेडी था, इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। ये देखिए इसको डेकोरेट कर देंगे, आप कैसे भी चाहो डेकोरेट कर सकते हो, या मैंगो को कट करके उसके ऊपर डाल दो, जैसा भी आपको। ये जो दूसरा मेरा केक है ये देखिए, इसको मैं नोज़ल से डेकोरेट कर रही हूँ। ये नोज़ल मेरा होममेड है, ये मैंने घर पर बनाया है, इसके भी वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी अभी नोज़ल की। ये जो ग्लेस था इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये देखिए ड्रिपिंग के लिए रेडी कर लिया मैंने। इस तरीके से आप डिज़ाइन कर लो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैंने थोड़े बहुत स्प्रिंकल डाल दिए हैं, आप डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और प्राइस आप क्या सामान लगा रहे हो अपने केक में, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस को सेट करना। ये देखिए नोज़ल, ये मेरा घर का है, खुद का बना हुआ। तो आप भी ये केक ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।